हाय गाइस, मैं हितेश 24 फीट क्लब में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज का डाइट बहुत ही बेहतरीन फैट बर्न प्रोग्राम का चैप्टर 2, जिसका आज है छठा दिन। छठे दिन में हम लेंगे अच्छे प्रोटीन, अच्छा कार्ब्स, अच्छे विटामिन्स, अच्छे मिनरल्स, अच्छा फैट और अच्छे फाइबर। आज हम लेने वाले हैं कौन से ऐसा फूड है जो आज के लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में हम लेंगे। तो गाइस, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे YouTube चैनल 24 फिट क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और गाइस आप अपनी हेल्थ को अच्छा करते रहे। जिस प्रकार मैंने मेरी हेल्थ को अच्छी की है, आप भी अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाए। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मॉर्निंग में उठते ही लेंगे हम अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक देगा हमको एनर्जी, बूस्ट करेगा और हमें प्रेरित करेगा अच्छा कार्डियो वर्कआउट के लिए। कार्डियो वर्कआउट अभी हम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, करीब हम करेंगे 20 से 25 मिनट का कार्डियो वर्कआउट, क्योंकि कंटिन्यू 5 दिन का हमारा जो कार्डियो वर्कआउट था वो था 15 से 20 मिनट। अभी हम थोड़ा इसमें इंक्रीज करेंगे और उसके बाद हम लेंगे मॉर्निंग में जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो होगा फॉर्मूला 1 शेक 3 स्पून, साथ में होगा प्रोटीन 1 स्पून और 300 ml मिल्क, जो कि हमें अच्छे कार्ब्स, अच्छे प्रोटीन, अच्छा मिनरल्स, अच्छे फाइबर, अच्छा फैट हमको देने वाला है। और गाइस, उसके बाद हम चलते हैं मॉर्निंग स्नैक्स में। मॉर्निंग स्नैक्स में आज हम लेंगे ये बीट रूट सलाद। बीट रूट सलाद 2 कटोरी भर के हम खाएंगे, उसकी टोटल कैलोरी हमको मिलेगी 95 कैलोरी हमको प्राप्त होगी। गाइस, उसके बाद आगे चलते हैं तो लंच की, और लंच में आज हम लेंगे गाइस फिश ग्रेवी। फिश ग्रेवी हम लेंगे करीबन 2 कटोरी। 2 कटोरी में हमको मिलेगा करीबन 294.6 कैलोरी हमको प्राप्त होगा। साथ में हम लेंगे 3 चपाती। 3 चपाती की आपको कैलोरी मिलेगी 258 कैलोरी और साथ में हम लेंगे छाछ। छाछ या हम दही ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज को हम लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स में आज हम लेने वाले हैं गाइस कॉफी या तो अफ्रेश। आपको कॉफी लेनी है तो कॉफी भी ले सकते हैं, या अफ्रेश लेना है तो अफ्रेश भी ले सकते हैं। गाइस, उसके बाद जो हमारा लंच है, लंच हमारा होने वाला है 100 ग्राम चिकन टिक्का। 100 ग्राम चिकन टिक्का हम लेंगे, टोटल कैलोरी हमको मिलेगी 129.6 कैलोरी हमको चिकन टिक्का की मिलेगी। तो गाइस, अभी कैलोरी की बात करें तो 1400 से 1500 कैलोरी हमें सुबह से लेकर शाम तक के खाने में मिली है। साथ में प्रोटीन मिला है हमको 88%, फैट मिला है 50%, फाइबर मिला है 82% और कार्ब मिला है 50%। ये टोटल कैलोरी का हमारा जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से हमारा जो कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर निकल के आता है। और गाइस, इसी प्रकार हम लेते रहेंगे तो गाइस हमारी बॉडी में से फैट को हम अच्छी तरह रिमूव कर पाएंगे और गाइस एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। जिस प्रकार मैं मेरी हेल्थ को अच्छा कर रहा हूं, आप भी अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। हेल्थ हमारी सही होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमारी हेल्थ पे। हेल्थ अच्छी करेंगे तो गाइस हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा देना। गाइस, और एक बात बता दो, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन इस प्रकार सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी जरूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। मैं मेरा जो टाइम दे रहा हूं इस वीडियो के पीछे आपकी हेल्थ को अच्छी करने के लिए, जो नए नए आइडियाज और नए नए कैलोरी वाले जो डाइट प्लान है आपके सामने रखता हूं, तो गाइस मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। तो आप अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो गाइस थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इंफॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। बाय दोस्तों, बाय बाय।